हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम इकबाल, आप देख रहे हो इकबाल एडिटिंग। तो बहुत दिन के बाद हम वीडियो लेके आए हैं और अच्छी एडिटिंग लेके आए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, और कोई भी बात पूछना है या कोई भी प्रॉब्लम आए एडिटिंग में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिक्सेल ऐप ओपन करेंगे, उसके बाद इसमें हम डबल टैप करके नेम एडिटिंग कर लेते हैं, नेम को ऐड कर लेते हैं, आमिर नाम से बनाएंगे। उसके बाद इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद ये नीचे ए वाला ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद ए बी फॉन्ट है ये नीचे, इसमें जाएंगे। ये फॉन्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। माय फॉन्ट में जाएंगे और इसमें फॉन्ट कैसे ऐड करते हैं उसका भी वीडियो का लिंक हम डाल देंगे, आप लोग चाहे तो देख के ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम एक न्यू टेक्स्ट लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे टैप करेंगे आर और ए बी फॉन्ट में जाएंगे। यहाँ पे माय फॉन्ट में सर्च कर लेंगे, इसका नाम स्टार है, ये लेके और इसको यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए लास्ट वाला इस पे आएंगे, ट्रांसपेरेंट में जाएंगे, यहाँ सेव वाला आइकॉन है ये मेमोरी टैब का। उसके बाद इमेज पे जाएंगे, यहाँ से इसको अल्ट्रा पे कर देंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे। ये सेव हो जाने के बाद PSCC को ओपन करेंगे, उसके बाद हम प्लस में जाएंगे, यहाँ से फ़ोटो लाइब्रेरी, यहाँ से हम फ़ोटो ले लेते हैं, ये फ़ोटो ले लेते हैं। ये फ़ोटो का भी आप चाहिए तो लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद फिर से हम प्लस में जाएंगे यहाँ, और ये प्लस पे क्लिक करेंगे और फोटो लेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो हम पिक्सल लाइव मैम सेव किए हैं उसे ले लेते हैं, ये इसको ले लेने के बाद इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ओके कर देंगे। और इसका जो है हमको प्लस पे जाने के बाद दो डुप्लीकेट बनाना है, टोटल तीन, एक पहले से रहेगा, दो डुप्लीकेट बनाना है। तो फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एफएक्स में जाएंगे और बेसिक में जाएंगे, यहाँ से लाइटन लेंगे और ये सर्कल को हम बाहर निकाल देंगे और सेम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने देना, इसको सेव कर देना। इसका ब्लेंडिंग मोड लाइटन कर देंगे। दूसरे लेयर पे जाएंगे, एफएक्स में जाएंगे, यहाँ से हम बेवल ले लेते हैं, सॉरी बेवल नहीं, यहाँ से हम ड्रॉप शैडो ले लेते हैं। ब्लर को हम 4 रखेंगे और डिस्टेंस को हम 5 रख लेते हैं। एंगल अपने हिसाब से रख सकते हो, तो मैं 90 पे ही रखूँगा। और इसका भी हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे तो इसको हम मल्टी पे रख देंगे। लास्ट वाला लेयर पे आएंगे, 3 नंबर पे, एफएक्स में जाएंगे, यहाँ से हम बेवल लेंगे। बेवल का कलर हम ब्लैक रखेंगे और इसको हम ब्लर को 16 कर देंगे, डिस्टेंस को हम 8 कर देंगे और एंगल आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, मैं 45 पे रखेगा। 1 2 3 तीन हम लगाएंगे इसमें बेवल। और इसका मोड जो है ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखेंगे, स्क्रीन या लाइटन भी रख सकते हैं। स्क्रीन सही रहेगा। उसके बाद हम फर्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ये सॉरी बीच वाले को, और यहाँ से हम ये लेंगे, ये स्टार वाला जो है इसे हम पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ जो है ये प्लस पे रखोगे तो एक के साथ में ज़्यादा आप सिलेक्ट कर सकते हो, माइनस पे रखोगे तो आप सिलेक्ट को अनसिलेक्ट कर सकते हो। और तो मैं नॉर्मली रखूँगा, अभी सिंगल सिंगल मेरे को करना है।
इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इस पे जाएंगे, यहाँ से फुल इन स्टॉक लेंगे। फुल इन स्टॉक लेने के बाद यहाँ से टैप हम फुल रखेंगे, कलर यहाँ से हम अपने हिसाब से चेंज करते रहना। तो फर्स्ट कलर हम रेड लेंगे, फिर दूसरा पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर से इस पे हम इस बार स्काई ब्लू लेंगे और तीसरे पे सिलेक्ट करके यहाँ से इस बार हम येलो लेंगे। उसके बाद चौथा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इस बार ग्रीन लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसी पे सिलेक्ट करके इस बार हमको यहाँ पे प्लस कर लेना है नीचे मोड में, और एक साथ में इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे वाले लेयर पे आएंगे, इसमें जाएंगे, फिर से फुल इन स्टॉक में जाएंगे और यहाँ से कलर वाइट टैप हम रखेंगे नश इस तरह का। चाहे तो इसको हम इसका अमाउंट जो है ना थोड़ा कम कर देंगे इस तरह का। और इसका ब्लेंडिंग मोड लाइट या नहीं रखना। ये हो जाने के बाद डिसलेक्ट कर लेना यहाँ से, बीच में कहीं पे भी टैप करोगे ना खाली जगह पे तो डिसलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम इसी लेयर में आके यहाँ से इस पे जाएंगे, यहाँ से शैडो हाईलाइट लेंगे, लाइट को हम थोड़ा 45 पे कर देंगे, लाइट को बढ़ा देंगे या थोड़ा कम भी कर सकते हैं ज़्यादा है तो इतने पे। उसके बाद हम फर्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एफएक्स में जाएंगे और यहाँ से ग्लो ले लेंगे कलर वाइट और ब्लर 0.6 रखेंगे और इसका एक डुप्लीकेट कर देंगे इस तरह का। उसके बाद इसमें हम लाइट लगाएंगे, तो उसके लिए हम एफेक्ट सॉरी प्लस में जाएंगे इसमें और यहाँ से लाइट ले लेते हैं। ये लाइट ले लेने के बाद इसके नीचे जो लिखा हुआ है ना उसको हम इरेज कर देंगे, इसको इरेज कर लेने के बाद इसको यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे और इसको जो है ना हम नीचे से लेंगे इस तरह से। इसका एक डुप्लीकेट फिर से करेंगे, यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ से हम फिर से इसको ले लेते हैं इसी तरह से, फिर से एक डुप्लीकेट, यहाँ से ट्रांसफॉर्म, यहाँ से इसको यहाँ से ले लेते हैं, नीचे से ही टोटल लेना है। इस तरह का तो इसमें हम एक चीज़ यहाँ पे जो एम के पास जो है डालना भूल गए हैं, तो वो आप पिक्सल में ही ऐड कर लेना, उसका भी डिस्क्रिप्शन में फ़ॉन्ट का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और वो ऐड करने के बाद आर कैपिटल में आर टैप करोगे ना तो वो वाला करेक्टर आ जाएगा सामने जो हार्ड बना हुआ है, तो आर टाइप करोगे तो आ जाएगा। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट और इसमें रजिस्टर पे कमेंट कर सकते हो या डीएम कर सकते हो। और इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैकनेस डाल के देखता हूँ, देखो ये तो यहाँ पे बन गया। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और आप चाहे तो इसमें यहाँ पे भी आप क्या बोलते हैं डुप्लीकेट ट्रांसफ़र यहाँ ऊपर में भी डाल सकते हो आप लाइट इस तरह से, फिर से डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म और ये यहाँ पे ऐड कर देना। अगर बाय द वे लेयर ज़्यादा हो जाए तो लेयर ज़्यादा हो जाएगा तो अलाउ नहीं करेगा, तो इसको आप मर्ज कर सकते हो। तो यहाँ से इसको टैप करना, ये ब्लेंडिंग पे जाना, ये इस पर और यहाँ से मर्ज डाउन करके आप लेयर को भी कम कर सकते हो। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि पुराना आदमी जो हमारा सब्सक्राइबर हो तो देखता है ये वीडियो, लेकिन बहुत ऐसा नया है जो इस वीडियो देख के चले जाता है सब्सक्राइब नहीं करता। तो ऐसा मत करो यार, कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।